हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो एंड यू हैव स्टार्टेड वाचिंग योर इंग्लिश कोच। और आज की इस वीडियो में एक और ब्रांड न्यू आइल्स राइटिंग टास्क 2 हम कवर करने जा रहे हैं। और यह राइटिंग टास्क 2 हमने 8 फेब 2022 के एग्जाम से लिया है जो यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट किया गया। हमारा जो एसे स्टेटमेंट है वो ये है, वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी इज दिस दैट मैनी जॉब्स विच यूज टू बी डन बाई ह्यूमंस कैन बी डन बाई रोबोट्स और कंप्यूटर्स। Do you think advantages outweigh disadvantages? ये हमारा टास्क है दोस्तों। यहाँ पे बात हो रही है टेक्नोलॉजी की, जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई है, तरक्की हुई है, उसकी वजह से जो बहुत से काम पहले इंसानों के द्वारा किए जाते थे वो आज मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। क्या इसके फायदे ज्यादा हैं या नुकसान ज्यादा हैं? क्या इसके फायदे नुकसान को ओवरशैडो कर लेते हैं, आउटवेट कर देते हैं, इसी के बारे में आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब भी आप कोई भी ऐसे लिखना शुरू करो, सबसे पहले जो स्टेटमेंट आपको मिली है उसको कम से कम 5 से 7 बार पढ़िए। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मीन्स रिजल्ट क्या है उसका, उसके बारे में बात है। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई है उसकी वजह से क्या हुआ है, बहुत से काम किसके द्वारा किए जाने लगे हैं, रोबोट्स और कंप्यूटर्स। ओके, सो दीज आर सम ऑफ आवर कीवर्ड्स। इसके अब हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस बताने हैं। यहाँ पे बात सीधी पूछी गई है, डू एडवांटेजेस आउटवेट डिसएडवांटेजेस, क्या इसके फायदे ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है, क्या इसके फायदे नुकसान को आउटवेट कर देते हैं, आउट परफॉर्म कर देते हैं, तो इसी के बारे में हमें बात करनी है। दोस्तों, जब भी आप आइल्स राइटिंग टास्क लिखना शुरू करो, हमें क्या करना होता है, जो हमारी स्टेटमेंट है उसी को हमें अपने वर्ड्स में पैराफ्रेज करना होता है। और ध्यान रहे, जो मेन बात आपसे पूछी गई है वो हमें जरूर बतानी है। अगर आप उसको स्किप करके कुछ और लिखते हो तो आपके जो ऐसे की टोन है वो सेट नहीं होती है, एंड देर आर चांसेस कि आपका बैंड स्कोर डिक्रीज हो जाए। सो हमें यहाँ पे क्लियरली बात ये करनी है, टेक्नोलॉजी के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, कौन से फायदे हैं जो हमें ज्यादा बेनिफिट करते हैं, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी स्टेटमेंट को पैराफ्रेज किया है, हमें क्या लिखा है, द इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी हैज रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड। अब हमें एडवांसमेंट की जगह यहाँ पे इनोवेशन लिख दिया, थोड़ा चेंज करके जैसे लिखना होता है, रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड एंड इट इज डिप्लॉयड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ वर्क, मैनी मैनुअल जॉब्स विच पीपल वुड डू, मैनी मैनुअल जॉब, जो हाथ से किए जाने वाले काम थे जो लोग करते थे, आर डन बाई मशीन्स दीज डेज, आज वो मशीन से किए जाते हैं। ओके, ऑल्दो द टेक्नोलॉजी ऑफर्स न्यूमरस बेनिफिट, यद्यपि टेक्नोलॉजी बहुत से फायदे ऑफर करती है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अनएम्प्लॉयमेंट इन सम सेक्टर्स, यह है कुछ सेक्टर में कारण बनती है किसका, अनएम्प्लॉयमेंट का। ओके, यहाँ पे हमने देखो बेनिफिट की बात की है और फिर उसके बाद ये बता दिया इसका नुकसान क्या है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं बॉडी पैराग्राफ वन पे। बॉडी पैराग्राफ वन में देखिए, इट इज क्वाइट एविडेंट दैट, इट इज क्वाइट एविडेंट दैट, एक सेंटेंस स्टार्टर हम ऑलमोस्ट यूज कर सकते हैं किसी भी ऐसे में, द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैव बेनिफिटेड अस इन मैनी वेज, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है उसने हमें बहुत तरीके से क्या किया, बेनिफिट किया है। ओके, इन मैनी वेज, राइट? द वर्क्स दैट वुड टेक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स कैन बी डन मोर एफिशिएंटली एंड स्विफ्टली बाय कंप्यूटराइज्ड मशीन्स एंड रोबोट एट प्रेजेंट, जो काम पहले बहुत ही एफर्ट्स और टाइम लेते थे उनको आज मशीन्स और कंप्यूटराइज्ड रोबोट और कंप्यूटराइज्ड मशीन से मोर एफिशिएंटली और जल्दी किया जा सकता है। ये हमने शुरू में टेक्नोलॉजी के बेनिफिट को बताया है, एफिशिएंटली एंड स्विफ्टली, एफिशिएंटली मतलब कि बढ़िया तरीके से और स्विफ्टली तेजी से जल्दी। ओके, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम मतलब कि पहले वो अच्छा खासा टाइम लेते थे, उसमें एफर्ट्स ज्यादा लगते थे। ओके, आई थिंक, अब यहाँ पे हमने इसके पॉजिटिव आस्पेक्ट को दिखाना है, आई थिंक द पॉजिटिव आस्पेक्ट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी परवेल ओवर, परवेल ओवर मीन्स ओवरशैडो, उससे आउटवेट कर देता है, और द नेगेटिव आउटकम्स, जो टेक्नोलॉजी के नेगेटिव आउटकम्स है, नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, उनके ऊपर हावी हो जाता है। इन पास्ट, अब यहाँ पे हमने पीछे से इसको कनेक्ट किया है, वी आर कनेक्टिंग नाउ, पीपल यूज टू बी इन्वॉल्व मैनुअली इन एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, कंपाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक
products, compiling electronic products means बिजली से related कोई भी product बनाना, kitchen works. But today all such type of jobs are performed by machines. But आज ये इसी type के जो काम हैं, jobs हैं, machine के द्वारा की जाती हैं. The major advantage of technology is that, जो सबसे बड़ा technology का advantage है वो ये है, the works of many people is done by single machine. कई लोगों का काम एक single machine कर देती है. In a given time period, दिए गए time period में, which saves money by controlling the cost, जिससे पैसे बचते हैं क्योंकि एक कॉस्ट को, लागत को कंट्रोल कर लेती है. ये यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट हमने इसका बता दिया है. अब चलते हैं एक नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करने के लिए. वन ऑफ द मोस्ट एविडेंट नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन मींस जो टेक्नोलॉजिकल क्रांति है, उसका सबसे जो नेगेटिव एस्पेक्ट है इज दैट दोज हु कैन नॉट ऑपरेट मशीन्स एंड कंप्यूटर्स, जो लोग कंप्यूटर्स और मशीन नहीं ऑपरेट कर सकते, आर बिकमिंग जॉबलेस, वो जॉबलेस हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन पास्ट द एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स वुड एम्प्लॉय लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज इन बिल्डिंग हाउसेज. यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने क्या दिया है दोस्तों, कि पास्ट में जो एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर था वो बहुत से ज्यादा लोगों को जॉब देता था, नौकरी देता था, मतलब कि काम पे रखता था. कहाँ से? रूरल एरियाज से और अर्बन एरिया, सेमी अर्बन एरिया और रूरल एरियाज से. ओके, क्या करते थे वो लोग? हाउस बनाते थे, प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग इन बोथ सेक्टर्स रिस्पेक्टिवली, उनके हिसाब से. दीज डेज, लेकिन अब क्या हुआ है, दीज डेज फार्मर्स एंड बिल्डर्स यूज मशीन्स टू एग्जीक्यूट देयर एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन वर्क्स. अब क्या है, जो फार्मर्स हैं, बिल्डर्स हैं, वो क्या करते हैं, मशीन को यूज करते हैं. ओके, दे यूज मशीन्स, ओके, टू एग्जीक्यूट मतलब कि परफॉर्म करने के लिए देयर एग्रीकल्चरल एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, विच हेल्प देम सेव मनी एंड टाइम, जो उनका पैसे और समय को बचाता है. राइट, इससे क्या होता है, दिस ट्रेंड इंक्रीजेस अनएम्प्लॉयमेंट इन कंट्री साइड एरिया. इससे क्या हुआ, जो कंट्री साइड एरिया हो गए या डेवलपिंग अर्बन एरिया हो गए, वहां पे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है. कैसे होती है? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग इंप्लॉयड होते थे, लेकिन अब वहां पे मशीन्स यूज होने लगी हैं, तो लोग वहां पे काम नहीं कर पाते हैं. दिस इज द नेगेटिव एस्पेक्ट्स. ओके, अब आगे है समरी में. समरी में हमने क्या लिखा, कंप्यूटर्स एंड रोबोट्स आर वाइडली डिप्लॉयड टू डू वेरियस एक्टिविटीज. कंप्यूटर्स और रोबोट्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं बहुत सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, जो पहले लोग हाथों से करते थे. In my views, technology has assisted the humans in multifarious way. मेरे हिसाब से technology ने इंसानों को बहुत ज़्यादा तरीके से benefit किया है, help की है. However, it decreases work opportunities for those who don't operate machines and computers. ये उनके लिए नुकसानदायक है जो computer और machines नहीं चला सकते. Okay, दोस्तों, इस topic पे बहुत से ideas लिखे जा सकते हैं. कहने का मतलब, यू हैव मैनी आइडियाज दैट यू कैन राइट इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव डायरेक्शन, बट हमने इसको 285 वर्ड्स में पूरा कंपाइल किया है ताकि एक अच्छा, यू नो, परफेक्ट ऐसे बन जाए जो 7+ बैंड आपके लिए लेकर आए. सो व्हाट यू हैव टू डू माय फ्रेंड्स, यू हैव टू रीड दिस एसे वंस मोर, बिकॉज दिस इज अ ब्रांड न्यू एसे, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एसे यू कैन गैस व्हाट काइंड ऑफ, यू नो, टॉपिक्स बीइंग आस्क्ड इन अ रियल एग्जामिनेशन. इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस टाइप के टॉपिक्स आजकल पूछे जा रहे हैं. तो दोस्तों, आपको क्या करना है, एक बार और इस ऐसे को रीड कीजिए, जो आइडियाज इसमें दिए हैं उनको एसिमिलेट कीजिए, और जो वोकैबुलरी हमने यूज किया बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि हमने जो इसमें वर्ड्स यूज किए हैं वो टेक्नोलॉजी के टॉपिक के लिए बहुत ही परफेक्ट हैं. एंड इफ यू, यू नो, लर्न दीज वर्ड्स एंड ट्राई टू यूज, आई गारंटी यू, यू विल बी बेनिफिटेड अलॉट. ओके, so here is the essay. The innovation in technology has revolutionized the world in, and it is deployed in almost every field of work. Many manual jobs which people would do are done by machine these days. Although the technology offers numerous benefits, it contributes to unemployment in some sectors. It is quite evident that the technological advancements have benefited us in many ways. The work which would take considerable amount of time and efforts can be done more efficiently and swiftly by computerized machines and robots at present. I think the positive aspects of the technology prevail over the negative outcomes. In the past, people
used to be involved manually in agriculture, construction of houses, compiling electronic products and kitchen works. But today, all such types of jobs are performed by machines. The major advantage of technology is this, that the work of many people is done by a single machine in a given time period, which saves money by controlling the cost. One of the most evident negative aspects of technological revolution is that those who cannot operate machines and computers are becoming jobless. For example, in past, the agriculture and construction sector would employ a large number of people from rural and semi-urban areas in building houses, planting and harvesting in both sectors respectively. These days, farmers and builders use machines to execute their agriculture and construction works, which help them save time and money. This trend increases unemployment in countryside and developing urban areas. To summarize, the computers and robots are widely deployed to do various activities which earlier used to be performed by men and women. In my view, technology has assisted the humans in multifarious ways. However, it decreases work opportunities for those who cannot operate machines and computers. ये हमने यहाँ पे complete कर दिया. अगर आप इस essay को read करना चाहते हो, इसका link हमने description में दिया है, वहाँ पे जाके आप इसको completely read कर सकते हो. दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है, do it now, because we'll bring more exciting videos for you so you could score high in IAS examination. Thank you so much for being with us. See you next time.